सो गाइस नाश्ता वगैरह करके मैं फ्री हो गई थी और अब हम लोग जा रहे हैं वोडकास्ट करने के लिए। गाइस मामा पापा वोडकास्ट करके आ गई हूँ। ये देखे वहाँ पे हमें काफी टाइम लग गया, काफी ज्यादा रश था। आधा गाइस खाना शाना खा लिया, बहुत मजा आया। इनका पिज्जा बहुत मजे का है, मस्ट ट्राई इट। चलिए अब चलते हैं घर। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे अनदर वीडियो। गाइस मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। गाइस आज मुझे स्कूल से ऑफ था तो मैं घर ही हूँ, बल्कि आज पूरे पाकिस्तान को ही ऑफ है, हर चीज़ बंद है, क्योंकि आज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला है। आज पाकिस्तान में इलेक्शन, तो गाइस आपकी बहन भी आज जिंदगी में पहली दफ़ा वोट डालने के लिए जा रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ और अपनी फीलिंग्स भी। गाइस वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि मैं भी अपनी कंट्री में थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करने लगी हूँ। वोट का हमें हक दिया गया है तो हमें इसे ज़रूर अवेल करना चाहिए और ज़रूर वोट करने चाहिए। कुछ लोग बैठे रहते हैं घर में ही और इसलिए नहीं चाहते वोट करने के लिए कि उन्हें उठ के जाना पड़ेगा, या वो कहते हैं खैर है हमारे वोट से क्या होगा। लेकिन गाइस हर किसी का वोट मैटर करता है और हर किसी को वोट करना चाहिए। अच्छा हमको सिखा रही है, तो गाइस इसलिए मैं भी आज आ रही हूँ वोट करने के लिए और देखते हैं कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि मैं जिंदगी में फर्स्ट टाइम वोटिंग करने के लिए जा रही हूँ। और गाइस अभी फिर चलते हैं नीचे और पहले मैं नीचे जाकर नाश्ता करूँगी, नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग वोट करने के लिए चलेंगे। आज नाश्ता बाहर से मंगवाया है, तो गाइज नाश्ते में ये चने और उसके अलावा गाइज ये आपको नान लग रहा होगा, लेकिन ये नान नहीं है, ये कश्मीरी पराठा है। इसकी काफ़ी ज़्यादा ये लेयर्स होती हैं इस तरह से, और ये ना यहाँ से मिलता है हमारे एरिया से, बहुत ही ये डिलीशियस और क्रिस्पी सा होता है। और उसके अलावा गाइज ये पूड़ियाँ हैं। चले गाइज अब मैं करने लगी हूँ नाश्ता, नाश्ता करने के बाद रेडी शेडी होंगे और फिर वोट करने के लिए जाएंगे। 2000 years later. तो गाइज नाश्ता वगैरह करके मैं फ्री हो गई थी और अब हम लोग जा रहे हैं वोडकास्ट करने के लिए। गाइज मामा पापा को वोट यहाँ पे नहीं भरना है, क्योंकि हम लोग पहले किसी और एरिया में रहते थे और वो इस घर से हमारा काफ़ी दूर है, तो मामा पापा का वोट वहाँ पर सेंटर बना है, तो मामा और पापा वहाँ पर जा रहे हैं। मेरी और मेरी सिस्टर का यहाँ घर के पास ही बना है, तो हम दोनों यहाँ पर जा रहे हैं वोट देने के लिए। और गाइज मजे की बात मैं आप लोगों को बताती हूँ, पापा किसी और टीम की तरफ है, किसी और पार्टी को सपोर्ट करते हैं और हम सब लोग किसी और पार्टी को सपोर्ट करते हैं। समझ रहे हो आप? खैर मैं ये तो नहीं बताऊंगी कि किस किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे घर में ऐसा ही है, तो इसलिए पापा सेपरेट जा रहे हैं, मामा सेपरेट जा रही है, मैं और मेरी सिस्टर हम सेपरेट जा रहे हैं, लेकिन हम लोग सब वोट करने जरूर जा रहे हैं। तो गाइस अब चलते हैं और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। चले गाइस अब मैं जा रही हूँ वोट करने के लिए। सो गाइज मैं अपना वोडकास्ट करके आ गई हूँ। ये देखे वहाँ पे हमें काफ़ी टाइम लग गया, काफ़ी ज़्यादा रश था, आधा घंटा या लग गया, लेकिन अंदर मोबाइल लेके जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, इसलिए मैं वहाँ पे कुछ भी कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। खैर गाइज आप लोग भी ज़रूर वोट देने चाहें, जो जो अभी तक नहीं गया है जाए और अपना वोट कास्ट करें। आप लोग ये मत सोचें कि हमारे वोट से कुछ नहीं होगा, सबका वोट मैटर करता है और सबको वोट देना चाहिए। और गाइज आप जल्दी से जाएँ और सब लोग वोट करके आएँ, जैसे मैं भी करके आई हूँ, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। 2000 years later. तो गाइस वोट वगैरह से हम लोग फ्री हो गए थे, तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो मैंने सोचा है कि चले आज लंच बाहर करके आते हैं। तो गाइस चलते हैं देखते हैं कि कहाँ हम जाते हैं, लेट्स गो। गाइस हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, हम लोग रेंचर्स में आए हैं आज, हम लोग यहाँ पिज़्ज़ा बर्गर कुछ भी ऑर्डर करते हैं, देखते हैं हम लोग क्या ऑर्डर करते हैं, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमने क्या ऑर्डर किया है। गाइस स्टार्टर में हम लोगों ने मंगवाई है ये फ्राइज़, अब हम इन्हें खाते हैं। वैसे मुझे फ्राइज़ इतनी पर्सनली पसंद नहीं है, लेकिन बस कभी कभी मैं खा लेती हूँ, जैसे आज बस टेस्ट कर लेती हूँ। सच बोल रही हूँ, मुझे वाकई फ्राइज़ नहीं पसंद। गाइज जी हमारा ऑर्डर आ गया, हमने मंगवाए ये बर्गर्स मंगवाए और उसके अलावा गाइज ये पिज़्ज़ा मंगवाए, ये इनका स्पेशल पिज़्ज़ा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, अब मैं खाती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि कैसा है। सो गाइज अब हमारा ऑर्डर आ गया है, तो चले अब खाते हैं। मज़ा आया।
गाइस बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी तो मैंने सोचा चलो चाय भी पी लेती हूँ, तो मैंने अब ये मंगवाई है चाय, लेकिन वो इस रेस्टोरेंट में नहीं थी तो इसलिए हमने पापा जॉन्स से मंगवाई है। गाइस खाना शाना खा लिया, बहुत मज़ा है, इनका पिज़्ज़ा बहुत मज़े का है, मस्ट ट्राई इट। चलिए अब चलते हैं घर। गाइस हम लोग खाना शाना खा के वापस आ गए थे, बहुत ही अच्छा टेस्ट है इनका पिज़्ज़ा, तो बहुत ज़्यादा मज़े का है। जो यहाँ हम लोग गए थे हमारे घर के करीब इनकी जो ब्रांच है कोहेनूर, हम लोग वहाँ पे गए हैं, वैसे काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस आप कोई भी विजिट कर सकते हैं, अच्छा टेस्ट है इनका। अरे हाँ भाई हाँ। और सेकंड थिंग गाइस, सिलेक्शन का जो भी रिजल्ट होगा वो आज शाम को या रात तक आएगा, होप फॉर द बेस्ट गाइस। आप सब लोग भी दुआ करें, मैं भी दुआ करूंगी, जो भी आए अच्छे आए, वो हमारी कंट्री के लिए अच्छे काम करें, अच्छा सोचें, अच्छा करें, बस हम दुआ ही कर सकते हैं। तो गाइस आप लोग भी दुआ करें, मैं भी दुआ करती हूँ। और गाइस इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ, जिससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक रखिए अपना ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।